पॉल पाचिनो, अरे इसके बारे में बात करते हैं। सोलो वेलकम टू न्यू आईपिंग्स डूइंग वेल एंड हम सबका फेवरेट बर्गर किंग, हम सबका प्यारा, हम सबकी जान बर्गर किंग ने निकाले 3 नए बर्गर्स। एंड भाई साहब आप बताओ कि नए बर्गर से तो उनमें क्या क्या नया हो सकता है? उसमें नया हो सकता है कि शायद से नए फ्लेवर्स आए हो, नए कुछ आए हो, बट वैसे हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे तो हो सकता है कोई नई पैटी हो सकता है बर्गर के जो सब बन है उसका कलर उन्होंने रेड या ब्लैक कर दिया हो, अभी वो तो हमें खाने में बचा रहेगा। एंड हम इसलिए खा रहे ताकि आपको अपने मतलब कीमती पैसे उस बर्गर पे वेस्ट करने या नहीं करने वो आपको पता चल सके। सो इट्स टाइम फॉर द 4 की घंटी बजती तो करती है ट्रिंग ट्रिंग ट्रिंग, आज हम खाने वाले बर्गर किंग 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 एंड ओनली किंग, ओनली फॉर यू गाइस, लेट्स ईट। ओके, इट्स टाइम फॉर फर्स्ट बर्गर जो बर्गर किंग ने नया बर्गर निकाला है। तो भाई साहब इसका नाम क्या है, इसका प्राइस है प्लीज लोगों को बता दो। इसका नाम है वेज मेक्सिकन वॉपर और इसका प्राइस है 219 रुपए, मतलब 219 रुपीज। हाँ, तो ये इन्होंने नए बर्गर्स निकाले जो तीनों के तीनों वो है मेक्सिकन मतलब फ्लेवर्स के साथ आते हैं, ठीक है। एंड इनके अंदर बेसिकली क्या है, इन्होंने मतलब सेम पैटी तो सेम रहेगी, मतलब वो परखा है इनकी, ठीक है, बट इसके अंदर है मतलब एकदम नए, मतलब एकदम इन्होंने नई चीज एक्सप्लोर करी है वो है नाचोस। एंड उन्होंने इनकी सिग्नेचर सॉस डाली है बर्गर किंग जो वॉपर में आती है वो, एंड साथ में साल्स है। तो भाई साहब आपको क्या लगता है टेस्ट क्या होगा इसका? टेस्ट इसका वैसे ही होगा जैसे बर्गर किंग के हर एक सारे पुराने बर्गर का टेस्ट आता है। हाँ, मतलब बर्गर किंग के बर्गर्स पता नहीं कब चेंज होंगे एंड कब ये लोग मतलब थोड़ी अक्कल आएगी इनके अंदर कि पैटी भी चेंज हो सकती है, उसको भी थोड़ा सा ट्वीक किया जा सकता है। वो क्यों करेंगे इतना, क्यों करेंगे, तो बहुत मेहनत हो जाएगी यार, ठीक है। बट इसके साथ हैलापीनोस भी, मतलब वही बहुत नई चीज, नई चीज है हैलापीनोस, देखिए नई चीज है, ट्राई करके देखते हैं। बर्गर किंग के वेज मेक्सिकाना जो भी मेक्सिकन वॉपर बारे में जाए मेरे को लेना देना नहीं, वो देना टेस्ट कैसे इसका, लेट्स ट्राई। अच्छा है, बट एक चीज बताता हूँ, अगर आप मेरे से पूछोगे कि ये बर्गर किंग का नया वॉपर है तो मैं कहूंगा इसमें नया क्या है, अगर वॉपर है तो मैं कहूँगा ठीक है। हाँ, वो ठीक है, बट ये इसको नए तरीके से ब्रांड करते हैं, नया तो इसमें कुछ भी नहीं है, जैसे सारे बर्गर किंग के वॉपर आते हैं वैसे ही टेस्ट है। हाँ, वैसे टेस्ट है, बट थोड़ा सा आपको अगर पसंद है साल्सा अगर आपको खाना पसंद है ना, देन यू लाइक दिस थिंग, हैलापीनोस है वही सेम टेस्ट आएगा, हैलापीनोस अच्छे जाते हैं मेक्सिकन फ्लेवर्स के साथ, तो दैट्स दिस थिंग गुड। एंड हर बर्गर चीज आता है, ठीक है, एग्जैक्टली, तो वो एक चीज है, चीज एक चीज है, ठीक है, बट ओवरऑल जो चीज है वो अच्छी है। एंड जो नाचोस है वो घर पे आते थे सौगी हो जाएंगे ऑब्वियसली फॉर ऑब्वियस रीजन, ठीक है, बट आप वहां जाके खाओगे तो आपको अच्छा लगेगा, बट ऑल इन ऑल साथ साथ ये बर्गर टेस्टी है, बर्गर बुरा बिल्कुल नहीं, अच्छा बर्गर है। अब आप बता रहे बर्गर आप खा सकते हैं, ठीक है, वेज वाला वॉपर। एंड अभी ना हमारे पास चिकन वाला भी है, मटन वाले भी, सो फ्यू वेजिटेरियन आप जा सकते हो वीडियो स्किप करके, बट अगर सोच लिया कि मैं कुछ नई चीजें ट्राई करता हूँ तो आप आगे देख ही सकते हो, ऐसे जुड़े रह सकते हो हमारे साथ एंड ट्राई कर सकते हो चिकन एंड मटन वाला वॉपर। लेट्स ईट चिकन वॉपर नाउ। ओके, इट्स टाइम फॉर सेकंड वॉपर एंड भाई साहब इसका नाम क्या है, इसका प्राइस क्या, प्लीज लोगों को बता दो। इसका नाम है मेक्सिकन वॉपर चिकन और इसका प्राइस है 240 रुपीज, 240 रुपए का आता है, महंगा क्यों है? हाँ, ये बर्गर महंगा क्यों मुझे भी नहीं पता, बट ऑब्वियसली इसके अंदर इन्होंने साथ चलाया तो हो सकता है कि उसकी वजह से कुछ डिफरेंट टेस्ट आए एंड हो सकता है कोई नई चीज मतलब दुनिया को पता चल जाए कि ऐसी कोई चीज बन सकती है, नहीं हो सकता। एंड भाई साहब एक्साइटेड हो खाने में इसको? एक्साइटेड ऑनेस्टली नहीं हूं, और टू बी ऑनेस्ट, तो इसके अंदर मतलब बेसिकली वही सेम चीजें हैं, साल्सा चीज एंड वही जो बर्गर किंग के वॉपर के अंदर चीजें आती हैं, एक्सेप्ट मतलब ऑब्वियसली नॉर्मल बर्गर में साल्सा नहीं मिलता, इसमें वो है, इसके अंदर हां इसके अंदर नाचोस है, ठीक है। तो भाई साहब उठा लो एंड टेस्ट करके देखते हैं कि ऑब्वियसली फ्लेवर्स वैसे चेंज हो जाएंगे ना जब साल्सा वगैरह हो, तो बस वही बता सकते हैं। लेट्स सी, हां मेसी है, मतलब मेरे को रोनाल्डो है, लेट्स ट्राई, सबसे घटिया जो है दुनिया का, लेट्स सी। अच्छा लग रहा है, मतलब ये ओवरऑल कॉम्बिनेशन है साल्सा का, मुझे अच्छा लग रहा है। अगर आपको साल्सा पसंद है ओनली देन आप ट्राई करना इसको, अदरवाइज यू मीट टू हेट दिस थिंग, क्योंकि काफी लोगों को साल्सा पसंद है। मुझे वैसे अच्छा नहीं लगता साल्सा, बट इसमें टेस्टी लग रहा है। और एक और चीज है, ये नाचो सॉगी है तब भी अच्छा लग रहा है मेरे को, अच्छा अलग टेक्सचर आता है, एटलीस्ट दे आर गिविंग यू नो सम फ्लेवर एंड कुछ, एटलीस्ट दे आर लाइक डूइंग समथिंग फॉर दिस बर्गर। ओवरऑल टेस्ट अच्छा लग रहा है, जो भी इन्होंने साल्सा इनका है रेगुलर साल्सा का टेस्ट है, ऐसा नहीं कोई स्पेशल बर्गर इनका साल्सा टेस्ट कर रहा हूँ, जस्ट लाइक आपको मिलता है कोई मूवी में नाचोस के साथ या जो डब्बियों में आता है वीवा वगैरह, वही साल्सा है, नथिंग स्पेशल, नथिंग ऑर्डिनरी, ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी हम ट्राई करने वाले मटन वाला वॉपर एंड हम वो खुद पहली बार ट्राई करने वाले हैं, बिकॉज़ हम रियली खाते हैं वो, बहुत महंगा भाई अपनी बात से खा रहे हैं, अभी हम ट्राई करते हैं मटन वाला वॉपर एंड वो भी पहली बार ट्राई करते हैं साल्सा वाला, एग्जैक्टली, लेट्स ईट दैट। ओके, सो टाइम फॉर थर्ड वॉपर एंड भाई साहब इसका नाम क्या, इसका प्राइस क्या, प्लीज लोगों को बता दो। इसका नाम है मेक्सिकन वॉपर मटन एंड प्राइस है 360 रुपीज, 360 रुपए का बर्गर है। इतने में मैं कहता हूँ मटन थोड़ा सा खुद ले आओ, बर्गर खुद बना के खा लो, ऑब्वियसली ये एकदम बेवकूफों वाले आइडिया है, बट स्टिल ये हम पहली बार ट्राई कर रहे हैं वो भी साल्सा के साथ, ऑब्वियसली मटन है तो ऑब्वियसली एक्सपेंसिव भी होगा एंड इसके अंदर भी सेम चीजें हैं जो नॉर्मल वॉपर में आते हैं, सिग्नेचर सॉस, लेटेस, हैलापीनोस, अनियंस, चीज एंड जो स्पेशल चीज इसके अंदर एडेड है मेक्सिकन वाली चीज के लिए, दैट्स साल्सा एंड नाचोस, ठीक है, मैं भूल गया था, ठीक है।
तो भाई साहब मैं उठा लेता हूँ इसको एंड एक आप उठा लो मेरा उठा लो, मेरे को लगता है आप ये उठा पाओगे भाई साहब, ठीक है। एंड देखने में जो मटन है ज्यादा कुछ स्पाइसी नहीं दिख रहे, कुछ भी फालतू चीजें नहीं है, इट्स लुकिंग लाइक प्लेन गुड मटन, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है इसमें थोड़ी ज्यादा चीज वगैरह भी है, you're right, ऐसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है, ऐसा बात है, शायद महंगा तो मे बी दे डूइंग दैट बट मुझे पता नहीं, लेट्स ईट एंड देखते हैं टेस्ट कैसा है। वाओ, इससे टेस्टी बर्गर, मेरे को पता है मैं फिर से नहीं खा पाऊंगा अगर मैं वीडियो नहीं बना रहा हूँ तो, क्योंकि बर्गर भाई बहुत महंगा है एंड अगर इतने का मैं ले रहा हूँ तो मैं किसी गोरमे चेन से लेना प्रेफर करूंगा, बट दिस इज एज गुड एज एनी अदर गोरमे चेन एंड आई एग्री विद दैट। एंड पता है हमें ये क्यों नहीं मंगवाते, क्योंकि अगर अकेले बंदे को खाना है तो ये 400 रुपए का आता है। हाँ, 400 रुपए का, बट आपको बताया था आपको अच्छे ऑफर चाहिए तो हमने बर्गर किंग की एप्लीकेशन ऑर्डर करा, स्पॉन्सर नहीं बर्गर किंग की माखी आम, ठीक है, पैसे बच रहे तो बचा रहे आपके भी, ठीक है। तो बर्गर अच्छा है नो डाउट, सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन साल्सा का नाचोस का टेस्ट कर रहा है इसके साथ, मुझे बेस्ट कॉम्बिनेशन ना वेज वाले के साथ लगा है, टेस्ट इसका बेस्ट लगा है, बट जो पेयर हो रहा है वो वेज के साथ ज्यादा हो रहा है। हां मतलब हो सकता है सबकी अपनी प्रेफरेंस होती है, कुछ लोगों की घटिया प्रेफरेंसेस होती हैं ऐसे इस बंदे की, मैं वो बता रहा हूँ मटन वॉपर इज अ मस्ट ट्राई एंड साल्सा वाली सीरीज उसी मैक्सिकन वाली आई है, देयर टेस्टिंग लाइक एवरीथिंग टेस्टेड प्रीटी गुड, तो आप ट्राई करके देख सकते हो, पैसे वेस्ट करने अच्छी जगह है, ठीक है, मतलब ट्राई कर सकते हो एंड लिमिटेड टाइम के लिए उन्होंने साल्सा लिख दिया है, ये तो फिर से कुछ महीनों बाद आ जाएगा, बट अभी आप ट्राई करके देख सकते हो, ठीक है। तो भाई साहब अगर एक रिकमेंड करना है वेजिटेरियन वाला, हाँ एक रिकमेंड करूंगा तो वेजिटेरियन वाला ही है, एंड ऑब्वियसली वेजिटेरियन तो मैं भी रिकमेंड करूंगा वेजिटेरियन वाला, बट अगर नॉन वेजिटेरियन खाना है देन मटन के लिए ही जाना और किसी के लिए मत जाना, तो मटन ही खाओ, बस ये ऐसा अलग ही टेस्ट है, बहुत सारा अच्छा टेस्ट है। तो आज की वीडियो में हमने खाया बर्गर किंग नहीं मैक्सिकन वाले वापस, एंड और एक नई चीज आने वाली बर्गर किंग की जो हमारे पास है, बट उसकी वीडियो बड़ी जल्दी आएगी, तो लोगों जाने से पहले भाई साहब क्या करना है, लोगों प्लीज बता दो यार, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना, फिर बेल आइकन दबाना, क्योंकि नोटिफिकेशन आने पर और ऐसी नई वीडियो देख सको, यस, क्योंकि ऐसी और वीडियोस कहीं नहीं आती, सबसे पहले एंड सबसे तेज सबसे आज तक हमारा चैनल है, टिल देन कीप इट गिविंग नॉमिनेटेड, बाय बाय।